पलवल की न्यू बस्ती इस्लामाबाद में पति पत्नी के आपसी कलह के चलते पत्नी ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। वहीं जीआरपी पुलिस का कहना है कि मृतक युवती के परिजनों की शिकायत पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लड़के का नाम चांदनी, उसके घर वाले का नाम हनी, ससुर का नाम सोनलाल। पिछले साल 14 अप्रैल को 17 अप्रैल को शादी की थी। तो आज अब आपको जो सूचना मिली है, क्या सूचना मिली है, हुआ क्या उसके साथ? रात 9 बजे छोरी ने फ़ोन करो, चाचा सुबह मुझे ले आने आ रही है। मैंने क्या बात है, 4 दिन तक काम पर नहीं जा रहे और मैंने घर में आटा तक नहीं है, आटे को मैंने बुलाए हैं पर मार कुटाई मेरी करी है। कल शाम को नहीं, कल दिन में थोड़ी सी बस ये बात हुई थी। मैं तो 2 दिन से मैं काम पे नहीं जा रहा, तो मेरा काम वाम बंद पड़ा है, तो इस वजह से हम दोनों में थोड़ी सी तू तुम्हें वैसी वैसे हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब रात को खूब आराम से अच्छे वाले सोएँ, रात को लेट तक टीवी भी देखी है। तो उसके बाद में हम सुबह खड़े होकर देखा, मैंने 6:15 बजे सुबह खड़ा हुआ तो पता पड़ा कि है ही नहीं हुआ।